अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो तीन नए कानून लाए हैं जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है, और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है, और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। डिक्टेटरशिप, देखिए यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है, सीधी सी बात है। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है, किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है, और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। बट ये देखिए, आप सवाल जो पूछ रहे हैं ये रिडिकुलस सवाल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि आप कह रहे हो कि देखो भाई भैया वहां पे किसी ने 6 लोगों को कुचल दिया, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि जिस व्यक्ति के बेटे ने किया उस पर कार्रवाई होगी। ये डिक्टेटरशिप में सवाल पूछा जाता है, डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता।